नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं एक फाइनेंशियल प्लस एजेंसी जुड़ रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आपको जल्दी से जल्दी यानी शॉर्ट टाइम में आपको कैसे करोड़पति बनना है। यदि आपके पास में थोड़ा बहुत भी पैसा है, आप उसको अच्छी जगह सेविंग करके कैसे आप एक बहुत ही जल्दी करोड़पति बन सकते हो, लखपति बन सकते हो, कैसे बनेंगे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जो भी लोग हैं, जो भी रहे मेरे, इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। 100% मैं कहता हूँ कि आपको कुछ टाइम के बाद आपको ये चीज़ एडलाइज होगी और खुद आप महसूस करोगे कि बिल्कुल जो सही बात है, जो सर ने बात कही थी, एकदम रियल बात है। चलो गाइस, मैं आपकी आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। क्योंकि बहुत से मुझे लोग कमेंट कर रहे थे कि यार कि जो मैं जल्दी जल्दी जो करोड़पति बनूँ, लखपति बनूँ, ये मुझे कुछ आइडिया दो। तो बहुत से लोग जो इस चीज़ के लिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में कर दो, या जो ऐसे में कर दो, या शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, ऐसे ऐसे बहुत से ऑप्शन कहते होंगे। आपने भी इस चीज़ के लिए एडवाइज किया होगा, सुना होगा भाई कि ये चीज़ होती है। पर आज की मैं जो आपका ऑप्शन लेके आया हूँ ना, जल्दी जल्दी करोड़पति बनने का, जल्दी जल्दी लखपति बनने का और पैसे से पैसे कमाने का, बहुत ही शॉर्ट टाइम में कमाऊँगा और बहुत ही हाई रिटर्न दिला के दिखाऊँगा आपको। आज की इस वीडियो को अच्छे से अच्छे समझना, अच्छे से अच्छे गाइड करने की कोशिश करूँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ सपोर्ट करना इस वीडियो को, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो भी दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि स्पेशली जो लोग हैं आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। जो मेरे पास भी ज्ञान है उस ज्ञान को मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप अच्छे से अच्छा ग्रोथ कर सको अपने जिस भी फील्ड में हो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा मेरे दोस्त, आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, कहीं मजदूरी कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है। पैसा आपको यदि बचाना है और जल्दी जल्दी आपको करोड़पति बनना है या लखपति बनना है, तो ज़रूर एक दिमाग में ख्याल रखना कि भाई मुझे आज पैसा सेविंग करना है, तभी आगे वाले टाइम में मैं हो सकता है कि मैं लखपति या करोड़पति बन जाऊँ। यदि आपने अपनी पैसे की कदर नहीं की तो आप कितना भी पैसा कमा दो, भले आप 1,00,000 रुपये महीने का कमा दोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो पैसा आपका वैल्यू नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद में वो आपके बराबर हो जाएगा और आपके सारे जो खर्चे हैं, जो एक परिवार को चलाने के लिए हैं, अपने घर खर्चे, वो उसी में हो जाएंगे। इसीलिए बोलता हूँ भाई, बचत करना ज़रूरी है। बचत करना बहुत ही बड़ा एक ऑप्शन है आपके लिए, और ये ऑप्शन है आपके लिए, दो ऑप्शन है, मैं आप आज की स्टूडियो में बताऊँगा। दो ऑप्शन है, एक SIP है जो म्यूचुअल फंड में है, दूसरा अपना एक LIC है। इन दोनों के माध्यम से आप अपना सेविंग का जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट है इसमें सेविंग कर सकते हो, और आने वाले टाइम में आप अपने परिवार के लिए भी और आपके लिए भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ में आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है ना, जैसे जैसे आपकी जो एज बढ़ती जा रही है, आप कमाने लायक भी नहीं रहोगे। मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो 40-45 या लास्ट 50, उसके बाद में कोई कमा नहीं सकता, इतना नहीं कमा पाता है। और जो बहुत सी कंपनियाँ होती है यार, वो जॉब भी नहीं देती है, जॉब से भी निकाल देती है। तो मैं आपको यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा मेरे भाई जिनकी एज है 20 या 25 या 24 या 34 के आसपास भी है, उनको ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक सुनहरा ऑप्शन है कि भाई आपको सेविंग का ऑप्शन चूज कर देना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी अमाउंट, मैं आपको ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि आपको पूरी पूरी सैलरी उसमें दे देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके अपना सेविंग के लिए, बचत के लिए ज़रूर डालनी चाहिए अलग से, जिससे आपको आने वाले टाइम में आपके वो काम आ सके फ्यूचर में, और अच्छे से अच्छे आप परिवार को भी चला सको, आपको भी अभी घर खर्चे हैं जो भी हैं वो आप खुद कर सको। क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपके पैसे भी नहीं रहे हैं, जो आप 1-1,00,000 रुपये महीने का कमा रहे हो ना, वो भी नहीं रहे हैं, और 10-10,000 रुपये कमाने वाला जो एक इंसान है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके बचा रहा है, वो आपसे भी कई गुना आगे निकल जाए। तो मैं वही कई चीज़ कहना चाहूँगा भाई, आपको बचत जरूर करना है थोड़ी थोड़ी। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिया है, मैं एक म्यूचुअल फंड दिया है, एक दूसरा अपना LIC दिया है। LIC में जिन बंदों की जो पॉलिसी नहीं है वो ज़रूर अपनी एक पॉलिसी करवा दें, क्योंकि इनके से यदि आप इस दुनिया में नहीं रहते हो तो आपके परिवार के लिए कुछ न कुछ अमाउंट तो छोड़ जाओगे। आपने उतना बड़ा नहीं होगा लेकिन उतने कई गुना आपको परिवार के लिए छोड़ जाओगे, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। LIC क्या बोलती है कि आप पहले कमाओगे नहीं, उससे पहले मैं आपको इतना पैसा दे दूँगी, ये एकदम रियलिटी बात है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का डेथ हो जाती है, तो कंपनी ये जो LIC देती है 100% श्योर है, मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ, एकदम सही बात है, कंपनी देती है। तो आपको मैं यही चीज़ कहूँगा कि भाई आपकी जो पॉलिसी नहीं करवा रखी है, छोटी मोटी हो लेकिन करवानी जरूरी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके परिवार के लिए पीछे। और इस दुनिया में आप नहीं हो तब भी आपके परिवार के लिए LIC थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आपके हर साल परिवार को चलाने के लिए, घर गुजारा के लिए देती है। तो इसी हिसाब से मैं आपको कहूँ कि आप जरूर ले लेना चाहिए। और जो जिनके बीवी बच्चे हैं और परिवार वाले हैं, तो स्पेशली उनको एक जीवन लक्ष्य प्लान है LIC का, वो ज़रूर ले लेना चाहिए। छोटा हो कोई बात नहीं, लेकिन लेना ज़रूर चाहिए। आपकी जैसे इनकम है, जैसे आपके पैसे हैं, जैसे के पास जिससे आपको पैसा है 10,000 है 15,000 है, जो भी आपकी है इनकम के हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगता है, क्या मेरे को 2,00,000 का बीमा लेना चाहिए, 3,00,000 का लेना चाहिए,
आपको जो अच्छा लगता है बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए ये जीवन लक्ष्य प्लान, आप इसे ज़रूर चूज करना LIC का यदि आप लेना चाहो तो। अब दूसरी बात करें मेरे भाई कि आपको सेविंग का दूसरा जो ऑप्शन है मैंने आपको बताया है म्यूचुअल फंड SIP, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यदि आप इस पर भी अपना निवेश स्टार्ट नहीं किया है या इसमें पैसा लगाना स्टार्ट नहीं किया तो ज़रूर कर देना। मैं एक बात करूँ कि जैसे ये महंगाई बढ़ रही है ना, इसी के हिसाब से ये भी जो आपके काम आएगा आने वाले टाइम में। तो आज मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके सेविंग करना है SIP में भी, जो आने वाले टाइम में आपका हो सकता है कि वो आपको 500-500 भी आप सेविंग कर रहे हो ना, तो आने वाले टाइम में वो आपके जो 10-15 लाख रुपए हो जाए। तो SIP भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यदि आप सेविंग का चूज़ कर रहे हो तो मेरे हिसाब से SIP बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। LIC के साथ में आप SIP स्टार्ट कर दो तो बहुत ही अच्छा सुनहरा ऑप्शन है। जैसे भाई लोग आपको ये चीज़ पता है कि आज है जो हमारा 2022 का यानी 2022 का लास्ट डेट है, यानी 31 दिसंबर है। इसी के दिन मैं आपको ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके माध्यम में मेरा यही सुझाव रहेगा आप सभी के लिए कि भाई लोगों, आपको यदि अभी तक आपने सेविंग नहीं की है, सेविंग का ऑप्शन अभी तक आपने चूज़ नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है LIC और SIP। दोनों में निवेश करना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट शेयर करना शुरू करो, लेकिन करना ज़रूरी है आपके परिवार के लिए भी और आपके लिए भी और आने वाले आपके फ्यूचर में जो बेहतर से बेहतर आपको अच्छा रिजल्ट दे सके और आपके आने वाले टाइम को बेहतर से बेहतर कर सके। बस ये इतनी ही सी वीडियो है, इसके माध्यम से मैं जानकारी आपको पूरी देने की कोशिश की है। LIC के बहुत से प्लान आएंगे, बहुत से इंटरेस्टिंग बातें होंगी, मैं आपको फ्यूचर में आगे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा। तो अभी मेरे व्हाट्सएप नंबर आपने शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर मुझे सेव करके और एक मैसेज ज़रूर टाइप करना, जिससे मैं आपके नंबर भी मैं सेव कर सकूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे से आप ले सको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जो भी जानकारी आपको चाहिए तो आप ज़रूर मेरे से संपर्क करके कनेक्ट में रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके हेल्प मैं ज़रूर करता रहूँगा। ठीक है, ये 2022 का एंड है और इसी में है जो हम गुड बाय कहते हैं 2022 को। और आई होप कि ये छोटी सी मेरी वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर इनमें से जो पॉइंट मैंने आपको साथ शेयर किए ना, इनमें एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दैनिक लाइफ में, दैनिक जो जीवन में उतारने की कोशिश करना। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में भाई लोगों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।